सेवेंथ के आज हमारे पास तीन स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। नाम बताओ अपने अपने। चमन, सपना, उजैफा। इन्होंने यहाँ पर हमारे बच्चों ने डस्टबिन बनाए हैं। चलो अपने अपने डस्टबिन अपने पास कर रखो पहले टेबल पे। ये किससे बनाए आप लोगों ने? गिलास। गिलास जो हमारे कॉफ़ी मग्स होते हैं डिस्पोजेबल, उससे बनाए हैं। ये देखिए बिल्कुल ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है ओरिजिनल ओरिजिनल इस तरह। ये देखिए ऐसे गीला कचरा सूखा कचरा, बहुत सुंदर बहुत क्रिएटिव वर्क बच्चों ने बनाया। ये देखिए बिल्कुल नेचुरल डस्टबिन लग रहा है। आप अपना नाम बोलो। चमन तारा ने भी बहुत सुंदर, इसको दिखाओ खोल के दिखाओ। ये देखिए इन्होंने और सजा दिया है अपना, ये इनका सूखे कचरे का और गीले वाला खोलो गीले कचरे का। ये देखिए नेस्कैफे के हमारे डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं। उजैफा आप दिखाओ, इनका भी डस्टबिन देखिए। ये इन लोगों ने कितने बहुत शॉर्ट एक बहुत ही छोटा सा इन्होंने एक इनोवेटिव क्रिएटिव ये देखिए आइडिया लिया है। इसको निकाल के दिखाओ, नीचे का भी इनका साइंस दिखाएंगे। ये देखिए एक छोटा सा बस एक गत्ते का वो है लिफ्ट करने वाला, लिड लगा रखी है उससे ऊपर। आप भी दिखाओ इसका, इन्होंने यहाँ नीचे से ऐसे ऐसे लगाया। ये देखिए प्रॉपर, क्यों फेंकना चाहिए कूड़ा कूड़ेदान में? इससे बीमारियाँ नहीं होंगी, अगर हम खुले में कूड़ा फेंकेंगे तो हमें बीमारियाँ हो सकती हैं। हाँ अगर गंदा रखेंगे ढक कर रखना चाहिए। हाँ सबसे बड़ी बात ढक के भी रखना चाहिए, अगर ढका हुआ नहीं होगा तो क्या होगा? बदबू आएगी, कीटाणु होंगे। तो ये आज हमारे क्लास बैठेंगी जाके, हाँ मक्खियाँ भी बैठेंगी और वही मक्खी अगर खाने पे बैठ गई तो वो पदार्थ हमारा दूषित हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया क्लास सेवन्थ ने, बहुत सुंदर टांगने वाला भी बनाया है। एक बार फिर से सब खोल के दिखाओ जरा अपना एक एक। देखिए ऑटोमेटिक ये साइंस है, ये हमारे बच्चों के साथ में साइंस भी चल रही है, छोटा प्रोजेक्ट है।